तो गाइज आज जब मैं बैठ के YouTube ब्राउज कर रहा था तभी मैंने देखा ये वीडियो। मिथपैट ने फिर से अपना एक सीक्रेट रूम बनाया है और उसके बाद जब मैं अपने वीडियो के लिए TikTok के वायरल हैक्स ढूंढ रहा था तो मुझे सबसे पहला वीडियो दिखा ये वाला और इस पे क्लिक करते ही मुझे दिखा ये। Coincidence? I think not. और वैसे हाँ मैंने उसकी वीडियो पे तो लाइक मार दिया लेकिन क्या तुम लोगों ने मेरी वीडियो पे लाइक मारा है? तुम लोग तो जल्दी लाइक मारते नहीं हो, फटाक से जल्दी से वीडियो पे लाइक मारो। यो व्हाट्सअप गेमर्स, इट्स योर बॉय एपिक और गाइस आज हम लोग माइनक्राफ्ट में खुद के लिए भी एक सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं क्योंकि जब मैं माइनक्राफ्ट के वायरल हैक्स यूट्यूब पे ढूंढ रहा था तो मुझे सबसे पहला वीडियो इसी का दिखा, सीक्रेट रूम बनाने का तरीका। तो यस आज हम लोग यही करने वाले हैं एंड एक ऐसा मस्त सीक्रेट रूम बनाऊंगा जिसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो चलो गाइस सीक्रेट रूम बनाने में देरी कैसी, मैं उड़ना चाहता हूं नैना। देख रहे हो इस बेचारे को, भगवान ने इसे पंख दिए हैं बट ये बेचारा उड़ नहीं सकता। देखो तो कैसे उछल रहा है ये, भगवान ने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। आप चिंता मत करो चिकन बिरयानी, ओ सॉरी चिकन रानी, आपके सपने को आज मैं पूरा करूंगा। तो मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े थे, हमेशा पढ़ता हूँ, और उसमें तुम लोगों ने बताया कि मुझे यहाँ पे कमांड में बस हल्का बहुत चेंज करना था और उसके बाद ये चिकन भी उड़ने लगती। तो आज सबसे पहले हम लोग इस चिकन का सपना पूरा करेंगे एंड फिर खुद के लिए एक सीक्रेट घर बनाएंगे। तो इतनी बकवास करने के बाद चलो अपने लिए पहले एक कमांड ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग। गिव इपिक डिपिक अ कमांड ब्लॉक, मिल गया। तो यहाँ पे मुझे बस कमांड में हल्का बहुत चेंज करना था एंड मैं पूरा कमांड ही भूल गया, एक बार देखना पड़ेगा फिर से। A few inches later. तो कमांड था इफेक्ट गिव इपिक डिपिक के जगह हम लोग डालेंगे ऑल एंटिटीज और फिर यहाँ पे डालेंगे लेविटेशन, लेविटेशन 500। अब फाइनली ये चिकन यहाँ पे उड़ पाएगी। तो मिसेस चिकन बिरयानी, सॉरी चिकन रानी, क्या आप उड़ने के लिए तैयार हो? कहाँ गया मेरा लीड? ये रहा मेरा लीड, और सीड भी चाहिए होगा हम लोगों को। तो आ जाओ चिकन रानी मेरे साथ आओ, आज आपके सपने को मैं पूरा करूंगा। ये देखो मेरे पास सीड है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर और हल्का इधर। ओए उड़ी नहीं ये, व्हाट द हेल, लगता है मैंने फिर से कुछ गड़बड़ी कर दी है। ओ प्रेशर प्लेट भी तो डालना था, तो ये प्रेशर प्लेट डालो यहाँ पे। तो आ जाओ चिकन बिरयानी, अरे यार इसका नाम चिकन बिरयानी ही रख देता हूँ मैं, भाड़ में जाए चिकन रानी। तो आ जाओ चिकन बिरयानी, इधर आ जाओ इधर, और मैं तो उड़ने लगा, साथ साथ ये भी उड़ने लगी। फाइनली गाइस ये भी उड़ने लगी। ओ कहाँ गायब हो गई? पता नहीं, मैंने उसका सपना पूरा कर दिया, बस यही मायने रखता है भले ही वो मर क्यों ना गई हो। और भी कोई चिकन बिकन है यहाँ पे जिसका सपना मैं पूरा कर सकता हूँ? हेलो चिकन बिरयानी, बेलाल्यू, अरे भैया कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। खैर मुझे क्या, मैंने तो उसका सपना पूरा कर दिया, अब बारी है अपने सपने को पूरा करना और मेरा सपना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। तो चलो गाइस आज फाइनली अपने लिए भी हम लोग एक सीक्रेट रूम बना ही लेते हैं और मैं सोच रहा हूँ मैं अपना सीक्रेट रूम इस बीकन के नीचे बनाऊं, बहुत ज्यादा कूल लगेगा वैसे। तो चलो सारा सामान ले लेते हैं, ग्रास ब्लॉक चाहिए होगा हम लोगों को, स्टिकी पिस्टन चाहिए होगा हम लोगों को और रेड स्टोन ये सब भी चाहिए होगा हम लोगों को, थोड़ा बहुत सोना चांदी भी ले लेते हैं और एंड में एक क्राफ्टिंग टेबल। तो अब मैं सीक्रेट रूम इसके नीचे कैसे बनाऊं, कुछ मस्त सा उपाय लगाना पड़ेगा मुझे। रुक जाओ थोड़ा बहुत सोचने दो मुझे। A few minutes later. तो देखो मैंने उपाय लगा लिया है, तुम लोगों को अभी करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाएंगे जिसके अंदर मैं सीक्रेट रूम में जा सकूँ और फिर उसे कवर कर देंगे ग्रास ब्लॉक की मदद से ताकि किसी को शक ना हो। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से सीक्रेट रूम में एंट्री मारूँ, यहाँ से नीचे हम लोग जाएंगे सीक्रेट रूम में घुसेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लगा देते हैं एक स्टिकी पिस्टन, अरे ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे रख दूंगा मैं एक ग्रास ब्लॉक, ना ये भी मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखना है मुझे। और किसी तरह मुझे इस पिस्टन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक लीवर। तो क्या मेरा पिस्टन एक्टिवेट हो रहा है? यस एक्टिवेट हो रहा है, फिर से इसे दबा के देखता हूँ एंड यस ये मशीन काम कर रहा है। ऐसा ही मैं रेडस्टोन से खेलता रहा तो फिर पता चला मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। और ये मैं हवा में कैसे उड़ने लगा?
किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे जंपिंग जेपैक मशीन के साथ छेड़खानी किया? अच्छा उसकी, चलो कोई बात नहीं, उसके भी तो कुछ सपने हैं कि वो हवा में उड़ सके। तो ये मशीन तो सही काम कर रहा है, बट मुझे इस पिस्टन और इस रेड स्टोन को छुपाना पड़ेगा किसी तरीके से। क्या मैं डायमंड ब्लॉक की मदद से इसे छुपा सकता हूँ? ना, यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा डायमंड ब्लॉक, तो मुझे फिर से कुछ अच्छा आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ देखो, यहाँ पे ऐसे करके हमारा काम हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लीवर। ओ यस, तो ये काम कर रहा है। और इस बीकन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो पाए कि यहाँ पे मैंने एक सीक्रेट रूम बना रखा है। तो हाँ, अब ये बीकन और भी ज्यादा धमाकेदार लग रहा है। इस रेनबो बीकन को देखने के बाद तो कोई भी मेरे सीक्रेट रूम के बारे में पूरी तरह भूल ही जाएगा। आखिर ये रेनबो बीकन इतना मस्त जो लग रहा है देखने में। तो ये तो हो गया, अब मुझे इस पिस्टन को भी छुपाना है किसी तरीके से। मैं इसे छुपा देता हूँ ग्लास ब्लॉक की मदद से। अब तो ये लोग जिंदगी में भी मेरा सीक्रेट रूम नहीं ढूंढ पाएंगे, और मेरा लीवर भी इतना दूर है कि इसे नोटिस करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये रहा मेरा सीक्रेट रूम, छुप गया होगा। यस, ये देखो, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट डोर भी है। इसे वापस से मैं खोल देता हूँ, और ये रहा मेरा सीक्रेट डोर। ओए, लेकिन मैं कैसे अंदर घुसूंगा? ये तोड़ना पड़ेगा शायद। हाँ, अब घुस सकता हूँ। तो चलो, इंट्रेंस तो बन गया, अब बनाते हैं फाइनली सीक्रेट रूम। तो उस डोर के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे इस लैडर की मदद से। इतना हाइट पे काफी है, अब यहाँ पे बनाते हैं अपना सीक्रेट रूम। और मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी माइनिंग। ओके, लेट्स डू दिस। A little longer than a few minutes later. तो गाइस, मैंने माइनिंग करने के बाद ये छोटा सा रूम तो बना लिया है, लेकिन ये एकदम बकवास लग रहा है देखने में। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ऑब्वियसली बकवास लगेगा। तो अब इसे हम लोग एकदम सुंदर से सजाने वाले हैं। तो उसके लिए चाहिए हम लोगों को थोड़े से प्लैंक्स, थोड़े से ललटेन, ओ सो ललटेन भी है मेरे पास, और थोड़े बहुत क्वार्ट्ज के ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लोग अपने जमीन को वुडन फिनिश देंगे, एकदम रहीसों वाला सीक्रेट रूम लगना चाहिए। और सीलिंग के लिए हम लोग क्वार्ट्ज का यूज करेंगे, सीलिंग पे क्वार्ट्ज ज्यादा मस्त लगता है। और क्या मैं क्वार्ट्ज सही बोल रहा हूँ? क्वार्ट्ज, क्वाज, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, बोलना मुश्किल है, क्वाज। तो ये हो गया हम लोगों का वुडन फिनिशिंग, एंड मुझे ये रूम हल्का वो छोटा लग रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे इसे। तो हाँ, ये साइज परफेक्ट लग रहा है। तो चलो अब इसकी सीलिंग बनाना चालू करते हैं, एंड मैं तुम लोगों को एक ट्रिक दिखाता हूँ। ये तुम लोगों ने देखा, मैं बिना स्टोन ब्लॉक को तोड़े हुए क्वाज रख रहा हूँ यहाँ पे। मैं माउस का दोनों बटन एक साथ क्लिक कर रहा हूँ तभी ऐसा कर पा रहा हूँ। तो गाइज, ये रहा हम लोगों का सीलिंग। आई नो अभी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, इसे मैं बहुत ही ज्यादा मस्त बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले इन तीनों को तोड़ देता हूँ, और वहां पे मैं कौन सा स्टोन लगाऊं? चलो डायमंड ही लगा देता हूँ, क्रिएटिव में है तो कंजूसी क्यों करे। और यहाँ पे मैं ये चारों ललटेन लगाऊंगा। यस, मैं इसे ललटेन बुलाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ के दीवार को भी वुडन ब्लॉक में चेंज कर दूँ, तब ये ज्यादा कूल लगेगा। तो रुक जाओ गाइस, पहले मैं इस रूम को थोड़ा बहुत सुंदर बना लेता हूँ, फिर तुम लोग को दिखाता हूँ। One pair of pants later. तो ये देखो, थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अब धीरे धीरे करके ये सुंदर देखने में लग रहा है। अभी तो इसे और भी सजाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दो दो बैरल रख देता हूँ, और फिर यहाँ पे फ्लावर पॉट भी डाल देता हूँ। ये रहा पहला फ्लावर पॉट, दूसरा फ्लावर पॉट, और इसमें फूल डाल देता हूँ। अब बेड लगाना है, एंड चेस्ट भी लगाना है यहाँ पे। अगर चेस्ट ही नहीं रहा तो फिर सीक्रेट रूम होने का फायदा क्या? Obviously. मतलब हम लोग खजाना कहाँ पे छुपाएंगे? तो ये बेड मैं कहाँ पे लगाऊं? चलो इस पेंटिंग के नीचे ही लगा देता हूँ, यहाँ पे एकदम सेंटर में, यहाँ पे। हाँ, अब सही है। तो ये हो गया मेरे सोने का इंतजाम। और लाइट्स की कमी लग रही है ना? यस, हल्का बहुत लाइट्स की कमी लग रही है। तो गाइज, ये देखो, मैंने इस रूम को थोड़ा बहुत और सजा दिया है, एंड अब ये फाइनली लग रहा है सीक्रेट रूम जैसा। तो अब बस मुझे यहाँ पे चेस्ट रखने हैं, एंड फिर हम लोग का सीक्रेट रूम हो जाएगा बन के कम्प्लीट। तो ये चेस्ट मैं लगाऊंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे। चलो एक चेस्ट यहाँ पे भी लगा देता हूँ, एंड इसे मैं थोड़ा बहुत ट्रैप डोर से सजा देता हूँ। ये दोनों ट्रैप डोर लग गया यहाँ पे। हाँ, अब सेल्फ जैसा देखने में लग रहा है। तो गाइज, सब कुछ ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, बस अब मुझे लगाना है ये आर्मर स्टैंड, जिसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और इस पे रख दूंगा ये सारे डायमंड आर्मर, अब देखने में कूल लगेगा। तो फाइनली हम लोगों का सीक्रेट रूम बन के तैयार हो चुका है गाइज, और सही बता रहा हूँ, देखने में एकदम कूल लग रहा है। तो एक बार तुम लोग को अब बाहर से आके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये रहा मैं आराम आराम से घूम रहा हूँ इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में एकदम मस्त मगन से। और फिर मुझे दिखा ये बीकन, मैं इसके पास जाता हूँ दौड़ा दौड़ा।
ओ ये क्या है बीकन, वाओ कितना मस्त लग रहा है। और फिर मैं आराम से दौड़ा दौड़ा घर चला जाता हूँ क्योंकि और मुझे कुछ दिखाई नहीं। ये देखो कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे एक गड्ढा है, क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? ना, बैठ के अंदर जा सकता हूँ ना। तो फिर मैं वापस घर चला जाता हूँ। और अब बारी रही हमारी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है। तो हम लोग आएंगे इधर, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लीवर पे एंड यहाँ पे हमारा सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल गया। वाओ, अब चलते हैं नीचे अपने प्यारे प्यारे सीक्रेट रूम में। और ये देखो, वाओ कितना कूल लग रहा है। यहाँ पे मैं सो जाता हूँ, सो नहीं सकता क्योंकि रात नहीं है। यहाँ पे अपना सारा खजाना छुपा सकता हूँ और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यस, तो गाइज ये था हमारा सीक्रेट रूम। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक मारो, मार भी दो फटाक से इस वीडियो पे लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब मारो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।